الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام بزرگو دوستو عزیزو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب کے اندر جو برائیاں موجود تھیں ان میں ایک برائی یہ تھی کہ انسانوں کے درمیان نفرت عداوت اور خون ریزی عام تھی چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہو جانا صرف اونٹوں کو پانی پلانے کی باری میں رد و بدل پر جنگ شروع ہوتی تو کئی سال جنگ جاری رہتی اور اس کے اندر سینکڑوں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعثت کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبائل میں انسانوں میں نفرتیں ختم کر کے باہم محبت اور مروت پیدا کر دی اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً وہ اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اور تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں قبائل میں باہم محبتیں انسانوں میں مروتیں پیدا ہوئیں اور انسان نزدیک ہوئے مدینہ کے اوس و خزرج جو مد مقابل تھے وہ ایک جھنڈے کے نیچے نظر آنے لگے اسی طرح عرب کے قبائل میں جو عداوتیں تھیں انہیں حضور نے ختم کر دیا
और उसकी बरकत ये हुई कि आपने जो भाईचारा बाहम मोहब्बत पैदा की उसके नतीजे में मुसलमान एक मुत्तहिद कुव्वत बन गए और कुव्वत बन कर मुसलमानों ने इस्लाम को दुनिया भर में फैलाया। आपकी ज़ाहरी हयात तैयबा में इस्लाम सारे अरब में फैल गया। आपकी ज़ाहरी हयात तैयबा के बाद विसाले पाक के बाद खुलफाए राशिदीन ने इस्लाम को दूर दूर तक लाखों मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल गया। अब वाज़े बात है इस्लाम का ये फैलाओ, इस्लाम का ये फरोग काफरों को एक आंख नहीं भाता था। लिहाजा वो कौमें और वो कबाइल जिन्हें इस्लाम की वजह से ज़रब पड़ी, उनकी हुकूमतें ख़त्म हुई, उनके निज़ाम ख़त्म हुए, उन्होंने ये साजिश की कि हम इस्लाम को पनपने नहीं देंगे। और इस्लाम के दुश्मनों ने जो साजिशें तैयार की उनमें से एक साजिश ये कि उन्होंने वो सहाबाए किराम जिनके जरिए इस्लाम फैला, जिनके जरिए अल्लाह की धरती पर अल्लाह का दीन आम हुआ, उनके बारे में ऐसे गलत नजरियात को जन्म दिया और मुसलमानों को तकसीम करने के लिए बज़ाहिर अंदर से बेईमान थे, ऊपर से कलमा पढ़ा और मुसलमानों को गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ बातें इस्लाम में शामिल कर दी। इस्लाम का अरब में सबसे ज्यादा नुकसान यहूदियों को हुआ और यहूदी आज तक इस्लाम से अपना बदला लेने के लिए हर बुरी साजिश कर रहे हैं। आज जो कुछ फलस्तीनियों के साथ हो रहा है ये यहूदियों का प्लान है और यहूदियों के सारे प्रोग्राम हैं जिसमें वो ईसाइयों को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहूदी एक इंतहाई चालाक जबरदस्त किस्म के शरारती ज़ेहन, बल्कि कुरान करीम में आया कि दुनिया भर की कौमों में से सबसे जलील कौम यहूदी। दुर्बत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, ज़िल्लत और कमीनगी अल्लाह ने इनकी फितरत में रखी है। चूंकि यहूदियों को इस्लाम से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, उनकी खैबर के इलाके फतह हो गए, मदीना से बनु नुदैर बनु कुरैज़ा कबाइल निकल गए, हजूर ने उन्हें निकाल दिया अरब से। इस तरह यहूदियों को अरब के अंदर और अरब के बाहर बहुत बड़ा नुकसान सासानियों को हुआ। सासानी ये ईरान पर 4000 साल तक खानदानी हुकूमत करते रहे, बाप के बाद बेटा पोता नस्ल दर नस्ल हजारों साल इनके अंदर हुकूमत ईरान में चलती रही। इस्लाम ने जहां हक को सदाकत बयान करते हुए यहूदियों के बातिल नजरियात का रद किया, वहां इस्लाम ने ये भी बताया कि इस्लाम के अंदर हुकूमत मोरसी नहीं है कि रिश्तेदारों में चले खानदान में चले, इस्लाम के अंदर हुकूमत अहलियत की बुनियाद पर होगी। ये दो गिरोह ईरानी और यहूदी इस्लाम के सख्त दुश्मन शुरू से आ रहे हैं और उन्हीं की पलान के बाद यहूदियों ने ईरानियों को इस्तेमाल किया और एक ईरानी मजूसी आदमी फिरोज अबो लोलो मदीना में एक आदमी का गुलाम था लेकिन अंदर से बेईमान था, उसने हजरत उमर को शहीद किया। चूंकि हजरत उमर वकार इस्लाम की अलामत थे, हजरत उमर के वजूद की वजह से ईरान की हुकूमत पाश पाश हुई और इराक ईरान शाम मिस्र ये सब इलाके हजरत उमर ने फतह किए, उन्होंने बदला यूं लिया। उसके बाद ये पहली साजिश थी जो ईरानियों और मजूसियों की तरफ से हजरत उमर को कत्ल करके मुसलमानों के खिलाफ की।
इसके बाद यहूदियों ने अपनी रेशा दवानियों से अब्दुल्ला बिन सबा एक नामी पैदा किया। वो बज़ाहिर कलमा पढ़ता था लेकिन अंदर से बेईमान था, बड़ा चालाक शातर झूठा और चालबाज इंसान था। उसने मुसलमानों के अंदर आकर इस बात को फरोग दिया कि हैरानगी की बात है कि ईरान में तो हजारों साल हुकूमत खानदान की बुनियाद पर चले, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, अगर वो नहीं तो करीबी रिश्तेदार। ये क्या जुल्म है कि रसूलुल्लाह दुनिया से गए और रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों को हुकूमत नहीं मिली, ना हजरत अली को मिली, ना हजरत अब्बास को मिली। अबू बकर न रसूलुल्लाह का रिश्तेदार, उमर न रसूलुल्लाह का करीबी रिश्तेदार, इन्हें हुकूमत कैसे मिली? उसने अंदरूने खाना ये साजिश की कि ये बहुत बड़ा जुल्म है अहले बैत के साथ और रसूलुल्लाह के खानदान के साथ कि उन्हें हुकूमत नहीं दी गई। हालांकि इस्लाम के अंदर खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नायब बतौर खलीफा किसी का नाम नहीं लिया, ना हजरत अबू बकर का, ना हजरत अली का, ना हजरत अब्बास का, बल्कि उम्मत में मामला मशवरे पर छोड़ दिया। लेकिन निशानियां जरूर दी कि अपनी जिंदगी में मुसल्ला सिद्दीक अकबर को दिया, अपनी जिंदगी में अमीरुल हज सिद्दीक अकबर को बनाया, बड़े बड़े मामलात में सिद्दीक अकबर पर एतमाद किया, जिससे उम्मत समझ गई कि रसूलुल्लाह का इशारा यही है। और बाज़ बातों में आपने फरमाया कि मेरे बाद उम्मत अबू बकर के सिवा किसी पर राजी नहीं हुई। लेकिन ईरानियों और यहूदियों की मिली जुली साजिश ये थी कि उन्होंने आले बैत का मोहब्बत का एक पॉइंट देकर मुसलमानों को तकसीम कर दिया और उस तकसीम का आज इजहार यहाँ तक है। उम्मत के दो तबके हैं सदियों से, एक आले बैत का नाम बहुत गुलूब से लेता है और उनकी मोहब्बत की आड़ में सहाबा पर तबर्राबाजी करता है। नाउज बिल्ला, तीन सहाबा की खिलाफत को खिलाफत बातल कहते हैं, गासबाना जालमाना हुकूमत कहते हैं और सहाबा किराम पर तबर्राबाजी करते हैं। उसके मद्दे मुकाबले हजरत अली के दौर में खारजियों के जरिए साजिश करके हजरत अली को न सिर्फ कत्ल और शहीद कर दिया गया बल्कि हजरत अली मुर्तजा के खिलाफ एक नफरतों का ऐसा उबाल पैदा हो गया जिससे उम्मत टकरा गई। आज तक आप देख रहे हैं ये मुतहारब गिरोह ऐसी हरकतें करते हैं। गुज़श्ता जुमा हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के कमालात और शानों के बारे में सहाबा किराम का एतराफ़ अज़मत मैंने अर्ज किया। आज ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये लोगों के फैलाए प्रोपेगंडा कि हजरत अली के साथ ज्यादती हुई या हजरत अली और सहाबा के आपस में ताल्लुकात नाखुशगवार थे, वो हजरत अली की कदर नहीं करते थे, क्या ये हक है, सच है? तो दोस्ताने ग्रामी कदर इरशाद है अल्लाह ताला का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफार, जो मेरे महबूब के साथी हैं ये काफरों के लिए बड़े शदीद हैं, रहमाउ बैनहुम और आपस में बड़े मेहरबान, आपस में बड़े रहम दिल हैं। अब ये कुरान करीम की गवाही है। एक बात याद रखे, इक्का दुक्का वाकया नोट नहीं होता, लेल अक्सर हुक्मुल कुल अक्सर देखा जाता है। आप बताएं पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है कि नहीं? लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, यहूदी रहते हैं, लेकिन वो अकलियत में अक्सरियत मुसलमानों की है, लिहाजा मुल्क इस्लामी कहलाता है, बात अक्सरियत की है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया मेरे महबूब के साथी काफरों के लिए बड़े शदीद हैं और आपस में बड़े मेहरबान हैं, आपस में बड़े रहम दिल हैं।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरबियत के तहत हम कहते हैं कि अमूमन सहाबे किराम में बाहम ताल्लुकात खुशगवार थे, बशमूल आले बैत के। हम सवाल करते हैं आज 1450 साल बाद एक आदमी नबी पाक के खानदान का एहतराम करता है तो क्या जिन सहाबा ने आंखों से हसनैन करीमैन को रसूलुल्लाह के कंधों पर सवारी करते देखा वो एहतराम नहीं करते होंगे? हैरत की बात ये है। और अपना ईमान तक वो लोग बर्बाद कर देते हैं। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के तल्लुकात तीनों खुलफा राशिदीन जो पहले तीन खलीफे थे इनसे इंतहाई खुशगवार, इंतहाई करीबी रिश्तेदारियाँ और इंतहाई करीबी तल्लुकात थे। उसी में से टाइम के मुताबिक मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ कि इनके दरमियान खानदानी मरासम थे, रिश्तेदारियाँ थी, करीबी तल्लुकात थे और बाहमी एतमाद का आलम ये था कि कशफुल गुम्मा एक बड़ी मारूफ किताब है, ईरान से छपी हुई है, दूसरे हजरात की है। उसके अंदर आता है कि जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की बैत आम हो रही थी तो एक हकम नामी आदमी जो मिरवान का बाप था वो हजरत अली से कहता है, अली अगर तुम कहो तो मैं तेरी हिमायत में घोड़ों की टापों से मदीना की सरजमीन उखेड़ दू, इतने बंदे लाऊं तेरे साथ। लेकिन हजरत अली ये मुर्तजा जानते थे कि ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं। आपने बरमला फरमाया, मैंने अबू बकर के हाथ पर बैत की है और बैत के बाद ऐसे किसी इख्तलाफ की गुंजाइश अली के जहन में नहीं। हजरत सैयदना मैंने कई मरतबा अर्ज किया, हजरत अली मुर्तजा से सवाल किया गया, हल बा या ता अबा बकर, क्या आपने हजरत अबू बकर से बैत कर ली है? आपने फरमाया हाँ मैंने बैत कर ली है। और आप भांप गए। एक आम अकलमंद आदमी बात करने वाले के जेहन को भांप जाता है तो मौला अली जिनकी हिकमत दुनिया में मशहूर है, दानाई मशहूर है, क्या हजरत अली नहीं समझते होंगे? हजरत अली समझ गए ये जेहन का नापाक है। आपने फरमाया हाँ मैंने उस इंसान को अपना दुनिया का इमाम बैत करके माना है जिस इंसान को खुद रसूलुल्लाह, मैं महफल में मौजूद था, मैं घर हाजिर नहीं था, मैं बीमार नहीं था, मेरी मौजूदगी में जिसे रसूलुल्लाह ने मुसल्ले पर खड़ा करके हमारे दीन का इमाम बनाया, मैंने बैत करके उसी अबू बकर को अपना दुनिया का इमाम मान लिया। इतने वाज़े इरशादात के बाद क्या किसी ईमानदार के दिल में खलश की कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? फिर तीनों सहाबा के दौर में हजरत अली मजलसे शूरा के मेंबर रहे पर कितने फैसले हजरत अली की राय पर तारीख की जीनत है आज कि जो फैसला हजरत अली मुर्तजा ने किया मजलसे शूरा के अंदर जो राय दी तीनों सहाबा ने उस राय को तरजीह दी, शामिल दीन किया और उनको साथ लेकर चले। दोस्ताने जी वकार एक औरत हैं, उनका नाम है अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये बड़े आला खानदान की औरत थी। इनसे पहली शादी हजरत जाफर तैयार की हुई जो मौला अली के भाई थे। हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हा जंग मौता में शहीद हो गए और ये वो शहीद हैं जिनके दोनों बाजू इस्लाम का परचम सर बुलंद करते हुए कट गए। जंग मौता में हो रही थी, रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबी में बैठकर बताया कि मेरे भाई शहीद हो गए और उनके दोनों बाजू काट दिए गए। और जब हजरत जाफर तैयार, तैयार इनको क्यों कहते हैं, नाम जाफर था, हजरत अली के भाई थे, फरमाया जाफर शहीद हो गए, दोनों बाजू कट गए। और जब अल्लाह की बारगाह में इस हाल में गए तो आम शहीदों को तो एक मकाम मिलता है, अल्लाह ने मेरे भाई जाफर को जन्नत के पर अता फरमाए हैं, मेरा भाई जन्नत में जहां चाहता है परवाज करता है। ये हजरत जाफर तैयार, इनकी बीवी का नाम है अस्मा बिनते उमैस, वो बेवा हो गई आपकी शहादत के बाद। तो यही सैयदा अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हो, इनके साथ सैयदना सिद्दीक अकबर ने निकाह किया।
और हजरत सिद्दीक अकबर से इनका एक बेटे, उनका नाम है मोहम्मद इब्ने अबू बकर, वो पैदा हुए हजरत सिद्दीक अकबर के बाद की उम्मीद से थी। और यही अस्मा बिनत उमैस हैं कि जिन के आखिरी सैयदा खातून जन्नत माई फातिमा ज़हरा की आखिरी बीमारी में हजरत सैयदा की सारी खिदमत अस्मा बिनत उमैस करती थी। आज तो फदक के एक झूठे अफसाने पर ये लोगों को बताया गया कि जी अबू बकर ने माई साहिबा का हक नहीं दिया और माई साहिबा नाराज गईं। हमारा सवाल है, बताओ माई साहिबा की बीमारी में माई साहिबा की सारी खिदमत कौन सर अंजाम देती है? शिया सुन्नी कुतुब मुत्तफिक हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा की खिदमत अस्मा बिनत उमैस ज़ौजा तो सिद्दीक अकबर हजरत अबू बकर की बीवी करती रही और सारी देखभाल खिदमत मामलात सैयदा ने फरमाया मैं चाहती हूँ। हजूर सैयदा खातून जन्नत इतनी हया पसंद थी कि फरमाया मैं चाहती हूँ कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे बदन की साख्त पर लोगों की नजर न पड़े। कपड़े बदन से लग जाते हैं, कपड़े बदन की साख्त मालूम होती है। ये अरब में पहली राय अस्मा बिनत उमैस ने दी। उन्होंने फरमाया एक लकड़ियों की खूंटी बनाकर आपकी मैयत पर डाल देंगे जिससे आपके बदन की कोई साख्त नजर नहीं आएगी। राय उस अस्मा बिनत उमैस ने दी, उसी पर बनाई और सैयदा खातून ने जन्नत के जनाजे पर वही खूंटी बिछाई और आखिरी अय्याम तक सिद्दीक अकबर की बीवी हजरत माई फातिमा ज़हरा की तीमारदारी खिदमत गुजारी सारे मामलात बल्कि सैयदा को गुसल भी हजरत सैयदा अस्मा बिनत उमैस ने दी। ये कौन थी? सिद्दीक अकबर की बीवी थी। अगर नाउज़ु बिल्लाह जैसे ये यहूदियों और ईरानियों के एजेंट आज कहते हैं कि फदक की वजह से हजरत माई साहिबा नाराज थी, सिद्दीक अकबर थे, तो फिर बताएं ये सारे मामलात क्यों हैं? पता चला ये सब झूठे अफसाने हैं, यहूदियों के किस्से हैं और यहूदियों का प्लान है कि मुसलमानों को लड़ाया जाए। जो आदमी अपने ईमान की सलामती चाहता है उसे चाहिए रसूलुल्लाह के इरशादात को मद्देनजर रखे और सहाबाए किराम के बामी एतमाद को मद्देनजर रखे। फिर हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद यही अस्मा बिनत उमैस इनके साथ निकाह मौला अली ने किया। इतने करीबी खानदानी ताल्लुकात थे, रिश्तेदारियां थी। खुद हजरत इमाम जाफर सादिक जिनके नाम पर आज उम्मत को बखेरा जा रहा है, हजरत इमाम जाफर सादिक की वालदा माजदा का नाम था उम्मे फरवा। ये हजरत इमाम जाफर सादिक का ये कौल शिया सुन्नी कुतुब में मौजूद है। एक आदमी ने कहा माजा तकूल फी अबी बकर, ए इमाम जाफर सादिक आप हजरत अबू बकर के बारे में क्या कहते? आपने फरमाया मैं कहता हूं वालदनी अबू बकर रिन मर्रतैन, अबू बकर सिद्दीक दो मर्तबा मेरे बाप हैं, ननहाल की तरफ से भी ददहाल की तरफ से। दोरे रिश्ते थे और ये आपस में बाहमी मोहब्बत एतमाद और ताल्लुक था। खुद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु आपका हजरत अली से क्या ताल्लुक था? आप हजरत अली हजरत सिद्दीक मैंने कई मरतबा के जब फारूक आजम शाम बैतुल मुकद्दस आजाद करवाने गए, किबला अव्वल आजाद करवाने, जब हजरत उमर वहां गए तो मदीने में अपना नायब मौला अली को बना गए और हजरत अली ने नियाबत की। ये नहीं कि पीछे से तख्ता उलट दे कि नवाज शरीफ तो बाहर है पीछे से तख्ता उलट दिया जाए, हजरत उमर तो बहुत दूर है। मौला अली ने तख्ता नहीं उल्टा, हजरत उमर की नियाबत करके बताया मेरी नियाबत भी बरहक है, उमर की खिलाफत भी बरहक है। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो चाहते थे कि मेरा खानदान नबुव्वत से एक ताल्लुक हो, लिहाजा आपने हजरत अली से हजरत अली की बेटी का रिश्ता तलब किया और सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते सैयदा फातिमा ज़हरा यानी हजरत फातिमा ज़हरा से मौला अली की बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम उनका निकाह हजरत अली ने हजरत उमर के साथ कर दिया।
हज़रत उमर नाज करते थे कि मैं खानदान नबुव्वत का दामाद भी हूँ। और निस्बतें क्या हजरत उमर के पास कम थी, जिनके बारे में सरकार ने फरमाया अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, इससे बड़ा और शरफ क्या है। लेकिन आप चाहते थे कि मेरा खानदान नबुव्वत से कुर्बत का ये रिश्ता भी हो। और आपकी ख्वाहिश पर हजरत अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उमर से कर दिया, और फिर हजरत उमर की उनसे औलाद भी हुई जो बाद में जिंदा रही। ये वो करीबी तल्लुकात थे, एतमाद थे। इसलिए इन यहूदियों और ईरानियों के खरीदे हुए एजेंटों और मुनाफिक सिफत लोगों की बात पर कभी न जाएं। रहमाओ बैनहुम, रसूलुल्लाह के ये दोस्त अपने अंदर माँ बहन बहुत मेहरबान थे। सरकार ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यहाँ तक तो हदीस पढ़ते हैं सारे, एक हदीस आगे भी है और वो पूरी नहीं पढ़ते। मैंने आपको कई मर्तबा सुनी, फलाकी या बादा ज़ालिका उमर, अगला दिन आया मदीने की गली है, हजरत अली आ रहे हैं। वहां तो रश था गदीरे खुम पर, मुलाकात ना हो सकी। अगले दिन मुलाकात हुई, किसी को क्रेडिट मिले लोग उछल कर कहते मुबारक हो मुबारक हो। जूं ही हजरत अली नजर आए तो हजरत उमर ने जूं मुबारक दी, हनी अल्लाह का यबना अबी तालिब असबख्त मौला कुल्ले मोमिने व मोमिना। है अबू तालिब के बेटे तुम्हें मुबारक हो, तुम तो हर कलमा गो मर्द औरत के मौला बन गए। मौला के अरबी जबान में 25 मानी है। हर कोई अपने मन में करता है मैंने, लेकिन इसका कोई माना मौला के 25 माने हैं, कोई माना खलीफा नहीं, कोई माना हाकिम नहीं। हाँ मौला का माना आका, सरदार, भाई, मदद, मुआमन, मददगार, हमराज, ये सारी हैं। लेकिन जिस माना में हदीस को इस्तेमाल किया गया तो हजरत अली को इस शरफ पर कि आप हर ईमानदार मर्द औरत के मौला और महबूब और प्यारे हैं, इसकी मुबारक सैयदना फारूक आजम ने अता किया और हजरत अली ने शुक्रिया अदा किया। इसी तरह हजरत उमर शहीद हो गए। ये चीज शिया सुन्नी दोनों कुतुब में है। शिया कुतुब में हजरत जाबर इब्ने अब्दुल्ला से रिवायत है, सुन्नी कुतुब में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत है। हजरत उमर शहीद हो गए, हजरत उमर के घर में रश है लोगों का। लेकिन एक आदमी पीछे से आता है, मुंह पर चादर है, रो रहे हैं, लोगों को हटाते हटाते आगे बढ़े। हजरत उमर की मैयत के करीब जाकर कहते हैं अल्लाह की इस पूरी धरती पर किसी इंसान के बारे में मेरे दिल में ये ख्वाहिश नहीं, मगर इस कफन वाले आदमी के बारे में मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि काश जैसे ये कफन वाला बंदा अमल लेकर अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, मैं भी ऐसे अमल लेकर जाऊंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं जब मुंह से चादर हटी कि ये कौन है जो हजरत उमर के आमाल पर इस वालेहाना अंदाज में रश्क कर रहा है, तो कहते हैं जब मुंह से चादर हटी तो वो कोई आम इंसान नहीं था। फैजन हुआ अली इब्न अबी तालिब, वो रश्क करने वाले इंसान सैयदना अली मुर्तजा थे। ये था वो कल्बी ईमानी रूहानी ताल्लुक। मौत तक तो था बाद में प्रोपेगंडे, आज भांत भांत की बोलियां बोलकर आप लोगों की ईमान जाया करते हैं। जी हजरत उमर ने दरवाजे को धक्का दिया, नाउज बिल्ला माई फातिमा तज़ारा का अमल जाया हो गया। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। मुझे एक आदमी ने ये बड़ी तरंग से बात की, मैंने कहा इसका पहला हवाला आप अगर देख लेते ना, अगर आप दयानतदार होते कभी आगे बात ना करते। लेकिन अफसोस हमें तो अल्लाह के कुरान पर ईमान रखना चाहिए। रहमाओ बैनहुम, हुजूर ने भाई भाई बना दिया, बाहमी एतमाद, बाहमी मोहब्बतें, बाहमी चाहते। अल्लाह इन्हीं सही चाहतों में मोहब्बतों वाला अकीदा हमें अता फरमाए।
और कल क्यामत के दिन भी सुरखरू वही होंगे जिनके दिल सहाबा के लिए भी साफ और रसूलुल्लाह की अहले बैत के लिए भी साफ और खुद मौला अली अल्लाह की कसम टाइम नहीं। एक शिया को तब में आता है कि एक आदमी ने हजरत अली से पूछा रसूलुल्लाह के सहाबा कैसे थे। हजरत अली सहाबा की तारीफें करते करते धौड़े मार कर रोना शुरू और रो कर ये कह रहे थे आज खुदा की धरती पर उन जैसा ना रातों को क़याम करने वाला कोई है। वो लोग थे जिनके रातों में जागने की वजह से चेहरों पर अजीब कैफियत होती थी, इबादत का नूर टपकता था। उसके बाद चंद बातें सहाबा की करके हजरत अली रोना शुरू हो गए। फरमाया उन लोगों का जवाब अल्लाह की धरती पर नहीं। अल्लाह हमें यही हुस्न-ए-एतिकाद अता फरमा।